पाँच साल बाद दस साल के बाद हम थोड़ा सा थर्ड वर्ल्ड वॉर में पूछे लगे हमने एक अंतिम पैसा हम ये सब यही कहानी तो भारत को ले डूबा सुनो ना और कहानी की सुनवा लालू जी तोरे कहानी बाबा यादव तोरे कहानी सारे लोग तोरे कहानी हमें तो नाम नहीं लगा हम पकड़ लो कि पूरा देश और क्रिया के देखिए मैं एक बात कह शाम बात किसी चीज पूरी बात सुनो सुनो हम लोकसभा में सुनने जादवों में हिंदू देखते हैं महाराज अब कहाँ सबको काटते हैं आप किसी के म्यान में कई जगह आप गए ऐसा ही आपके तेज को कोई रख नहीं पाया आजू नहीं रख पाएंगे हम तो नहीं रख पाएंगे परिस्थितियाँ लालू जी नहीं रख पाए तो हम कहाँ से रख पाए लालू जी जिंदा तो तेजस्वी मोदी जी से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है हमें एक अंतिम पैसा हम ये सब यही कहानी तो भारत को ले डूबा सुनो ना और कहानी की सुनवा लालू जी तोरे कहानी बाबा यादव तोरे कहानी सारे लोग तोरे कहानी हमें तो नाम नहीं लगा हम पकड़ लो कि पूरा देश और क्रिया के देखिए मैं एक बात कह शाम बात किसी चीज पूरी बात सुनो सुनो हम लोकसभा में सुनने हम इतना ही जानते हैं जिंदगी भर पूरे देश में कभी भी तजिया के जुलूस में किसी हिंदू ने पत्थर नहीं फेंका होगा चाहे किसी जात के गांव से आए लेकिन क्या कारण है कि 15 साल से तलवार पत्थर और गोली चल हम जादवों में हिंदू देखते हैं महाराज अब कहाँ सबको काटते हैं जितना आप घूमते हैं अरे आपके पिताजी का नाम नहीं है लालू का लेकिन आप तो पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ आपको याद हो गया आप किसी के म्यान में कई जगह आप गए ऐसा ही आपके तेज को कोई रख नहीं पाया आजू नहीं रख पाएंगे हम तो नहीं रख पाएंगे परिस्थितियाँ लालू की नहीं रख पाए तो हम कहाँ से रख पाएंगे परिस्थितियाँ ना हीरो बनाए व्यक्ति ने राम को भी परिस्थितियाँ ने हीरो बनाए आपके राम थे या नहीं थे रवान वो बात की विषय है फिर आप डरे चुप हो जाएंगे भले लेकिन आप ही ने शुरू किया डरे वाले तो नहीं हम ये कह रहे हैं सर हीरो और टाइम तय कर आपके तेज को जब लालू जाता है बचा पाए तो और नहीं यादव उम्हारी सब छोड़िए यादव का नेता तो अभी लालू जी है आप एक बात समझिए आप पप्पू यादव अच्छा सुनिए ना एक बात हम आपको बता दें
तक लालू यादव जिंदा रहे तो तेजस्वी हो सब पर नहीं जाऊँगा म्यारी करना छोड़ दीजिए आप तो क्या आपके विद्या वो कहाँ विद्या कोशिश तो करते ही भूपेंद्र जी पप्पू यादव में कोई अंतर नहीं जी शिखंडी सब सबको ले आए ये आप नहीं जानते हैं इसका हम तो इतने बताएंगे कि वो इनको हमारे पार्टी के कई लोग अभी भी तो मोदी जी से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था अटल जी से बहुत अच्छा रिलेशन था आज भी सदन में सर चार बार आप लोगों ने हमको अवार्ड दिया ना हमको और मेरी बीवी भाई अवार्ड तो दूसरा ही बात मिलता है वो अब जब तक बिहार में लालू जी का अवार्ड नहीं मिलता है कोई अवार्ड नहीं आपको अवार्ड लेना है ना सर हम आप बूढ़ा क्या लेंगे आपको आप अभी नौजवान हैं ये नौजवान है ये नौजवान है 12 साल तो छोटा 12 साल बड़ी हो जाता है ना 15-16 साल तो बाप बेटा मन कर बूढ़ा नहीं जवान अब चुनाव आप नहीं लड़े चुनाव लड़ना नहीं लड़ना पार्टी हम अपने सवाल किया हम अब आया हम अपने उम्र का लिहाज आते हैं इसीलिए आपसे देखिए उधर से ही पूछे क्या उम्र में आप चुनाव नहीं लड़िएगा यही बात है वो तो पार्टी जवाब कर ही दिए चुनाव तो नौजवान भी पिछड़ा नहीं लड़ पाता क्या चुनाव अगर उम्र से होता ना जब आपने आपकी पार्टी तय की है 73-71 के बाद नहीं अरे व्याकरण में अपार सब नहीं सुने अपार सब तो व्याकरण का और राजनीति का दोनों की दो व्याख्या 20 साल के बाद मैं बचूंगा नहीं तो आपके बुढ़ापे में जाकर सेकुलरिज्म का क्या हाल चाल है एक बार सुनिए एक बार सुनो ना देखिए आप लोग बड़े आदमी हैं एक बार हमारे बात सुनो तो बोल जाओ एक बार हमारे बात दस साल हो दस साल उनके साथ दस साल आप ले आगे बोला क्या दस साल के और 5 साल के 2 साल के बीच 5 साल बाद 10 साल के बाद हम तरह से थर्ड वर्ल्ड वार में पूछे बहुत झंझा हम एक अंतिम पैसा हम ये सब हमार यही कहानी तो भारत को ले डूबा और कहानी की सुनवा लालू जी तोरे कहानी पप्पू यादव तोरे कहानी सारे लोग तोरे कहानी हमें आप तो नाम नहीं लेवा हम पकड़ लो कि पूरा देश और क्रिया के देखिए मैं एक बात कह शाम बात किसी चीज पूंजी बात सुनो हम एक बात सुनो बिगोता हम लोकसभा में सुनने नहीं हम इतना ही जानते हैं जिंदगी भर पूरे देश में कभी भी तजिया के जुलूस में किसी हिंदू ने पत्थर नहीं फेंका होगा चाहे किसी जात के गांव से आए लेकिन क्या कारण है कि 15 साल से तलवार पत्थर और गोली चले